हेलो एवरीवन। तो आज हम इंग्लिश बाबा चैनल में लेके आए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ की चौथी वीडियो, जो कि है टेस्ट नंबर 4। और ये है बेस्ड ओमिशंस पे, जो कि जनरली सीबीएसई क्लास 10th में या 9th में क्वेश्चन नंबर 6 होता है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या होता है, जैसा कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, कुछ लाइन्स मिली होंगी, उसके बीच में एक वर्ड मिसिंग होता है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। इन द पैसेज वन वर्ड हैज़ बीन ओमिटेड, मतलब एक वर्ड को छोड़ा गया है। राइट द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन पैराग्राफ। ठीक है, आपको जो मिसिंग वर्ड है, देखो यहाँ पे बीच में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आपको मिसिंग वर्ड लिखना है। ठीक है, और वो किन दो वर्ड्स के बीच में आएगा तो उसे पहले लिखना है। यहाँ पे इन्होंने एक करके दिखाया हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश अ गुड प्लेस फॉर इको कैंप। अब देखो हिमाचल प्रदेश के बाद अ गुड प्लेस, तो हमें पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हिमाचल प्रदेश इज अ गुड प्लेस फॉर इको कैंप। तो हमने आंसर में लिख दिया कि बिफोर में आएगा प्रदेश और मिसिंग वर्ड है हमारा इज, और उसके बाद है ए। समझ में आ गया आपको ये किस तरह से करना है? ठीक है, ओमिशन पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर देख लेना, उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स दी हुई है। तो चलो यार, ये टेस्ट भी है आपका 24 नंबर का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे आपको कितने मार्क्स मिले, और वीडियो को यार प्लीज़ अभी से कर दो लाइक। अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए साथ में, पूरा पढ़ लीजिए एक बार। हिमाचल प्रदेश अ गुड प्लेस फॉर इको कैंप, पाइन हिल इको कैंप कैंप वन ऑफ द इको टूरिस्ट रिजॉर्ट्स नियर बरौग हिमाचल प्रदेश। इको टूरिज्म इज़ गेनिंग पॉपुलरिटी ईच पासिंग डे एज मोर एंड मोर पीपल वॉन्ट गेट अवे फ्रॉम द हैक्टिक शेड्यूल। चलिए, आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा या आपने यहाँ पे पॉज कर दिया होगा। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ इसके आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आंसर्स। ठीक है, पहला इन्होंने करके दिया था, अब हम आंसर्स को समझेंगे। अगर आपने गलत किया तो समझो, सही किया तो अपने मार्क्स देख लो। हिमाचल प्रदेश इज़ अ गुड प्लेस फॉर इको कैंप, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये इन्होंने हमें करके दिया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है एक बहुत अच्छी जगह है इको कैंप के लिए। पाइन हिल इको कैंप, अब देखो पाइन हिल इको कैंप वन ऑफ द इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स। अब इस लाइन में देखना है हमें मिसिंग क्या है, तो यहाँ मिसिंग है पाइन हिल इको कैंप के बाद आएगा इज। पाइन हिल इको कैंप इज वन ऑफ द इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स है। ठीक है, पाइन हिल इको कैंप क्या है, एक इको टूरिज्म रिजॉर्ट का नाम है, नियर बरौग हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नियर बरौग जो कि बरौग में है, और कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे क्या आएगा बरौग के बाद, इन हिमाचल प्रदेश। इको टूरिज्म इज गेनिंग पॉपुलरिटी ईच पासिंग डे, जो इको टूरिज्म है वो पॉपुलर होता जा रहा है जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, तो यहां पे आएगा इको टूरिज्म इज गेनिंग पॉपुलरिटी विद ईच पासिंग डे, जैसे जैसे, तो यहां पे पॉपुलरिटी और ईच के बीच में आ जाएगा विद। एज मोर एंड मोर पीपल वॉन्ट गेट अवे, एज मोर एंड मोर पीपल, अब देखो वॉन्ट और गेट के बीच में टू लगेगा, प्रेपोजिशन टू लगेगी तभी सेंस ठीक बनेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आजकल के लोग क्या करना चाहते हैं, वॉन्ट टू गेट अवे, थोड़ा अपना मूड चेंज करने के लिए। जैसे लोग होते हैं ना, इतना बहुत काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, मंडे टू सैटरडे जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा एक ब्रेक लेने के लिए, किटकैट ब्रेक वैसे भी बनता ही है, वो थोड़ा सा अपने हैक्टिक शेड्यूल से, बिजी शेड्यूल से दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, आई होप कि इसमें आपके जितने भी सही थे, दो तीन या चारों के चारों अपने आप मार्क्स लिख रहे हो। अब मैं बढ़ रहा हूँ सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पे आ गई है सेकंड एक्सरसाइज, इस बार मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, बस जल्दी से मुझे करके दिखा दो। अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में रखिए, लिखते जाइए, ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले आंसर भरने की जल्दी मत करो, पहले एक बार पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, देखो किसके बारे में है, थीम क्या है, टोन क्या है, पैराग्राफ किस बारे में कह रहा है। ठीक है, वीडियो को यहां पे पॉज कर दो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपका मन करे वो कर लो। ठीक है, मैं बढ़ रहा हूं अब आगे आपको इसके आंसर्स दिखाने के लिए।
तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके आंसर्स। आंसर डायरेक्टली देने से पहले यार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाई, प्लीज़ यार बहुत मेहनत लग रही है आपके लिए ये वीडियो लाने में, प्लीज़ लाइक कर दो। और अगर अभी तक आपने इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लो। और अगर हमारे साथ यानी इंग्लिश बाबा की व्हाट्सएप सर्विसेज से जुड़ना चाहते हो तो मेरे नंबर 8059041145 पर जरूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप पर। चलिए अब देखते हैं, आफ्टर 8 आवर्स इंसिस्टेंट रेन। अब देखो आफ्टर 8 आवर्स पहला इन्होंने हमें करके दिया है कि 8 घंटे की लगातार बारिश के बाद, आफ्टर 8 आवर्स ऑफ, तो आवर्स और इंसिस्टेंट के बाद हो गया ऑफ आ गया, ठीक है समझ में आ गया। आर्टेरियल साइड रोड्स ऑफ द सिटी रिमेंड वाटर लॉग। अब देखो आर्टेरियल साइड ऑफ रोड, रोड की जो आर्टेरियल साइड्स है शहर की, रिमेंड वाटर लॉग्ड, मतलब कैसी रही। वाटर लॉग्ड का मतलब है पानी से भरी हुई, वाटर लॉग्ड। अब देखो वाटर लॉग्ड के बाद ब्रॉट है, तो या तो यहां पे विच लगाओ, विच ब्रॉट, ठीक है, जिसकी वजह से आया। वैसे अगर यहां पे विच की जगह अगर आप एंड भी लगाते हो तो भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। एंड ब्रॉट द सिटी अ स्टैंड, सिटी टू अ स्टैंड स्टिल। और जिस आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा बारिश वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो पूरा मतलब यातायात वगैरह सब ठप पड़ जाता है, थम जाता है कहीं ना कहीं। देयर हैव ऑल्सो रिपोर्ट्स, अब देखो देयर हैव ऑल्सो रिपोर्ट्स, तो देयर हैव ऑल्सो बीन रिपोर्ट्स ऑफ रेन वाटर गशिंग इन टू द हाउस। अब लाइन हमें बता रही है कि कई जगह से ये भी खबरें आई हैं कि ज़्यादा पानी होने से जो पानी है वो घरों के अंदर भी घुस चुका है ना। कई बार आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा या आपके साथ खुद के साथ एक्सपीरियंस हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में। चलो यार जल्दी से आ जाओ, अब थर्ड एक्सरसाइज पे, ये आ गई थर्ड एक्सरसाइज आपके सामने, फर्स्ट मैंने किया हुआ है, जल्दी से इस एक्सरसाइज को पढ़ लो। मोस्ट द पीपल आर अनॉयड पासवर्ड्स दे हैव। अब देखो पासवर्ड्स, जैसी पासवर्ड है ना, फेसबुक का पासवर्ड लगाते हैं हम, अपने फ़ोन की स्क्रीन पे पासवर्ड लगाते हैं, हर जगह पासवर्ड लगाते हैं, व्हाट्सएप पे लगाते हैं। दे हैव मैनी रिमेंबर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपका स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो, और नोटबुक और पेन ले लीजिए प्लीज़ जल्दी। पॉज कर दीजिए, यहाँ पे वीडियो को आप पॉज कर दीजिए। आई होप कि वीडियो को आपने पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके एक जगह आपने सही से वो देख लिए होंगे, आंसर्स लिख लिए होंगे। अब मैं बढ़ रहा हूँ आंसर्स की तरफ। मोस्ट द पीपल, जो इन्होंने पहला वाला किया है उसमें भी अगर हम खुद दिमाग लगाएं तो मोस्ट द पीपल नहीं होता, मोस्ट ऑफ द पीपल होता है, तो ज़्यादातर लोग। तो मोस्ट मोस्ट के बीच में और द के बीच में हमने मिसिंग वर्ड लगा दिया अपना ऑफ। देखो एक चीज़ और है, जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम्स देने वाले हैं वो प्लीज़ समझ लें आपको आंसर कैसे देना है। आपको पूरा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है बिफोर मिसिंग वर्ड और आफ्टर, और उसमें अपने जो आपकी एंट्रीज हैं वो भर देनी है, दैट्स इट, ठीक है। आर अनॉयड, अनॉयड का मतलब होता है मतलब एक तरह से इरिटेट हो जाना। जैसे आपने देखा होगा यार, आप लोग फेसबुक भी चलाते हो, व्हाट्सएप भी चलाते हो, इंस्टा भी चलाते हो, अपने फ़ोन में भी पासवर्ड लगाते हो, जीमेल भी है उसका हर तरह, तो इतने सारे पासवर्ड याद रखते रखते कहीं ना कहीं आप इरिटेट होते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनॉयड। अब देखो इसमें मैंने बीच में एट भी लगाया है, अबाउट भी लगाया है और विद भी लगाया है। एट पासवर्ड्स, अबाउट पासवर्ड्स या विद पासवर्ड, बहुत सारे लोग हैं जो पासवर्ड से ना क्या हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। दे हैव मैनी डैश रिमेंबर, देखो यहाँ पे हो सकता है आपको थर्ड वाले में प्रॉब्लम आई हो, आसान नहीं है। दे हैव, लोगों को याद रखना पड़ता है, दे हैव मैनी टू रिमेंबर, तो मैनी के और रिमेंबर के बीच में हमने टू लगाया है, मतलब लाइन क्या कह रही है पैराग्राफ, कि लोगों इरिटेट हो जाते हैं कई सारे पासवर्ड, क्योंकि कई सारे पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं। ऑन एनी डे आर, ऑन एनी डे दे आर। अब देखो अगर आप केवल फोर्थ लाइन देखोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि इसमें क्या भरेंगे, उससे उसके लिए आप नीचे वाली लाइन देखो, बाउंड फॉरगेट देम। अब देखो आर भी लगा हुआ है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, तो ये यूज होता है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पे हम रखेंगे दे, डे के बीच में और आर के बीच में हमने रखा। ऑन एनी गिवन
डे दे आर, यहाँ पर दे कौन है, लोग हैं, पीपल हैं, वो भूल जाते हैं अक्सर। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी अचानक से स्कूल में आपको, ऑफिस में, या अचानक से कोई काम पड़ा, आपने सोचा यार जीमेल से निकाल लेता हूँ वो वाला अपना डॉक्यूमेंट, आप निकालते हो अचानक से यार आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो। सो ऑन एनी गिवन डे दे आर बाउंड। अब बाउंड और फगेट के बीच में देखो आपको साफ पता चल रहा होगा कुछ ना कुछ तो आना चाहिए यार, प्रीपोजिशन बाउंड टू फगेट देम, वो अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीन एक्सरसाइज खत्म हो जाती हैं। 12 में से अब तक आपके कितने नंबर आए हैं मुझे सही सही आप लिखते रहो, और जो कि बाद में आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अब चलता हूँ नेक्स्ट पे, फोर्थ वन। चलिए आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे, एन ऑल वीमेंस बाइक रैली प्लेस एज आर्ट ऑफ इंटरनेशनल वीमेन सेलिब्रेशन पार्टिसिपेटेड बाई सेवरल वीमेन बाइकर्स, दे डिस्प्ले ड्राइविंग प्रोवेस ऑन देयर मशीन्स, द मैन सेट एज पिलियन राइडर्स। मैंने जल्दी से आपके लिए पढ़ दिया है, नोटबुक उठा लो, पेन उठा लो, जल्दी से इसके आंसर्स मुझे लिख के दिखा दो, या फिर आप कुछ नहीं कर सकते तो सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बीच में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा यार, ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने क्लास में आपके जितने भी दोस्त हैं उन सबके पास व्हाट्सएप कर दिया करो, उन्हें भी बताया करो इंग्लिश पापा चैनल के बारे में। चलिए अब मैं बढ़ रहा हूँ इसके आंसर्स की तरफ। एंड देखो एक चीज़ जो मैंने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में बताई थी, सबसे पहले ना एक हल्का सा पैराग्राफ पढ़ लो, उसका थीम ले लो, समझ लो थोड़ा सा कहना क्या चाह रहा है। एन ऑल वीमेंस बाइक रैली, अब देखो औरतों की बाइक यानी कि मोटरसाइकिल की कोई रैली हुई है, प्लेस एज आर्ट ऑफ इंटरनेशनल वीमेन सेलिब्रेशन, कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, पार्टिसिपेटेड बाई सेवरल वीमेन बाइकर्स, उस सेलिब्रेशन में बहुत सारी औरतों ने हिस्सा लिया है जो कि क्या चला रही हैं, बाइक चला रही हैं, दे डिस्प्ले ड्राइविंग प्रोवेस ऑन देयर मशीन्स, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने स्किल दिखाई है, अपनी प्रतिभा दिखाई है, क्या चलाने की, बाइक चलाने की। द मैन सेट एज पिलियन राइडर्स, और जो आदमी है, पिलियन एक वर्ड आया है, पिलियन तो पिलियन का मतलब होता है जैसे कोई बाइक चला रहा है जो आदमी उसके पीछे बैठता है ना उसे बोलते हैं पिलियन। तो कह रहा है इस सेलिब्रेशन में जो आदमी लोग थे वो लेडी लोगों के पीछे बैठे थे एज अ पिलियन। तो अब हमें थीम समझ में आ गया, अब हम इसमें निकालेंगे क्या मिस्टेक है, कौन सा वर्ड है छूटा हुआ। एन ऑल वीमेंस बाइक रैली, ठीक है। अब देखो अगर आप 1 2 3 4th लाइन में आओ तो देखो वहाँ लिखा हुआ है पार्टिसिपेटेड, 5th लाइन में आओ तो वहाँ लिखा हुआ है डिस्प्लेड, तो ये दोनों सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस में यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब हम समझ जाएंगे जो थीम रखनी है वो हमें पास्ट में रखनी है। एंड ऑल विमेन बाइक्स रैली टुक प्लेस, हुई, ठीक है। तो रैली के बीच में और हमने प्लेस के बीच में टुक लगा दिया, आर्ट ऑफ इंटरनेशनल। अब देखो एक चीज़ और है, कन्फ्यूज़ मत होना कि दो लाइन के बीच में केवल ए, इसीलिए मैंने साइड में ए बी सी और डी दिया है, जहाँ मैंने ए बी सी और डी दिया है वहीं से आपको मिस्टेक्स निकालनी है, ठीक है, क्योंकि वो जगह कम थी इसलिए। वो एक ही लाइन है, शुरुआत की जो दो लाइन है वो एक लाइन है, उसके बाद की जो दो लाइन है वो एक ही लाइन है। विमेन सेलिब्रेशंस, सॉरी मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, एंड ऑल विमेन्स बाइक रैली टुक प्लेस एज आर्ट ऑफ इंटरनेशनल विमेन्स सेलिब्रेशन। अब देखो विमेन्स सेलिब्रेशन, तो विमेन्स डे तो हमने सुना है, तो विमेन्स डे सेलिब्रेशन है ना, विमेन्स डे सेलिब्रेशन होता है। पार्टिसिपेटेड बाय सेवरल वुमेन बाइकर्स, दे डिस्प्ले ड्राइविंग, तो दे डिस्प्लेस, दे के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, देयर, टी एच ई आई आर, देखो स्पेलिंग याद रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो टी एच ई आर ई लगा देते हैं। दे डिस्प्ले देयर ड्राइविंग प्रोवेस, उन्होंने अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखाए, ऑन देयर मशीन्स। अब देखो मशीन्स के बाद या तो एंड लगा दो या वाइल लगा दो, और जो लोग थे, जबकि या जो लोग थे, वाइल लगा दो या एंड लगा दो, वो उनके पीछे बैठे हुए थे एज अ पिलियन राइडर्स, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ रहा हूं मैं, ये आ गई जी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ लीजिए। सबसे पहले वही वाला काम करो मेरे दोस्त, क्या करना है, सबसे पहले एक जल्दी से थीम ले लो इसका, पढ़ लो फटाफट एक बार, रफ रफ आइडिया ले लो। द पॉपुलर म्यूजिकल रिदम नोन फॉर फॉरो ओरिजिनेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील एंड इज़ नाउ पॉपुलर ऑल ओवर कंट्री। अब यानी
ये शुरुआत की 3 लाइन पढ़ने से मुझे ये समझ में आ गया किसी म्यूज़िक के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम क्या था, फोरो था। वो नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील से शुरुआत हुआ था और पूरे देश में अब वो फैल चुका है। बिसाइड्स म्यूज़िक द कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेज़ एज यू कैन वॉक डाउन नैरो स्ट्रीट्स एंड टेक द मार्केट्स एंड फेयर्स एंड सी पीपल मेकिंग ब्यूटिफुल हैंडक्राफ्ट। अब वो कहता अगर इस म्यूज़िक के अलावा भी बात करें तो ये जो पूरा देश है ये किसके लिए फेमस है, बीचेस के लिए फेमस है ना, बीच होते हैं ना समुंदर के किनारे, और वहाँ पे मार्केट हैं छोटे छोटे जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स मतलब हाथ से बने हुए आइटम बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। विजिटर्स कैन ऑल्सो टेक बगी राइड्स भी ले सकते हैं टू अदर बीचेस, दूसरे बीचेस पे जाने के लिए, और वॉच द डॉल्फिन शो, और डॉल्फिन का शो भी देख सकते हैं। तो अब हमें थीम पता चल गया किसके बारे में बात कर रहा है। अब जल्दी जल्दी से एक एक लाइन में मिस्टेक्स देखनी है, लेकिन एक चीज़ देखो, लाइन इसमें काफ़ी सारी दी हुई हैं और ऑप्शंस चार ही हैं, ए बी सी और डी, लेकिन फिर भी हमें नीचे तक पढ़ना है, नीचे कोई गलती नहीं है, थोड़ा सा थीम लेने के लिए। ठीक है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है मैं आंसर्स पे आ रहा हूँ अब। इसके पहला इन्होंने हमें करके दिया है द पॉपुलर म्यूजिकल रिदम नोन एज फॉरो। ठीक है अब ये मत समझना ये पहली और दूसरी लाइन के बीच में कैसे रख दिया, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले एक्सरसाइज में ऑलरेडी बता दिया है कि यार वो जगह कम की वजह से हमने ऐसा किया है। नोन एज फॉरो, ठीक है ये तो आपने पता ही होगा, नोन एज इन द नॉर्थ ईस्ट। अब देखो नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील, अब नॉर्थ किसके नॉर्थ ईस्ट में, ब्राज़ील के नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी इलाके में ब्राज़ील के ये शुरू हुआ था। ठीक है एंड इज नाउ पॉपुलर ऑल ओवर कंट्री नहीं, ऑल ओवर द कंट्री होता है, तो हमने ओवर और कंट्री के बीच में यहाँ पे लगा दिया द। बिसाइड्स म्यूजिक द कंट्री इज़ फेमस इट्स बीचेस, म्यूजिक के अलावा कंट्री फेमस है, तो फेमस इट्स बीचेस कहीं कुछ बन नहीं रहा, फेमस के और इट्स के बीच में अगर मैं फॉर लगा दूँ तो ये बन जाएगा बिसाइड्स म्यूजिक द कंट्री इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेस, जो कंट्री है वो प्रसिद्ध है फेमस है इसके बीचेस के लिए। एज यू कैन वॉक डाउन द नैरो स्ट्रीट्स आएगा, वॉक डाउन द नैरो स्ट्रीट, जैसा कि आप छोटी 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 पतली पतली गलियों में घूम सकते हो, एंड टेक द मार्केट्स एंड फेयर, और वो सारी चीज़ हो गई। तो आई होप कि ये वाले आंसर्स आपने ठीक किए होंगे। एक चीज़ और, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ बच्चे ना बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं टेस्ट सीरीज़ देके, सर हमारे तो बहुत कम नंबर आ रहे हैं, सर हम पे तो हो नहीं रहे, सर मुझसे रीअरेंजिंग नहीं हो रहे, मुझसे ओमिशन नहीं हो रहे। तो देखो यार ये जो मैंने एडिटिंग या ये जो मैं टेस्ट सीरीज़ बना रहा हूँ ना, इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ताकि आपको आने वाले टाइम में कमी ना आए। ठीक है तो आप डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो, मैं इसी तरह की बस आप प्रैक्टिस करते रहो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप बनोगे, मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम, दैट्स इट। चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, पढ़ लो एक बार जल्दी से जो मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई है। पैट्रियोटिज्म इज अ नोबल वर्च्यू, ठीक है पैट्रियोटिज्म क्या होती है, देशभक्ति होती है। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव वंस कंट्री, ठीक है एक ऐसा इंसान जो अपने देश से प्यार करता है। अ पर्सन लव्स हिज और हर कंट्री मोर देन एनीथिंग एल्स कॉल्ड अ पैट्रियट, एक इंसान जो अपने देश से हर किसी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है वो पैट्रियट होता है, देशभक्त होता है। पैट्रियोटिज्म इंस्पायर्स अ मैन टू डू एवरीथिंग, देशभक्ति के उसमें आदमी कुछ भी कर सकता है, जस्ट एंड फेयर फॉर द वेलबींग एंड बेटरमेंट, लेकिन कुछ भी का मतलब गलत काम नहीं, वो अच्छा होना चाहिए और देश के हित में होना चाहिए, बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। सॉरी तो जल्दी से यार आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक और पेन भी मुझे जल्दी से लिख के दिखाओ कितने मार्क्स आते हैं आपके। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके आंसर्स पे। अब देखो पैट्रियटिज्म इज अ नोबल वर्च्यू, वर्च्यू क्या होता है, वर्च्यू होता है एक अच्छी बात, जैसे वर्च्यू का मतलब सद्गुण और वाइसेस का मतलब होता है अवगुण, अच्छी बातों को कहते हैं वर्च्यू और खराब बातों को कहते हैं वाइसेस। ठीक है तो पैट्रियटिज्म इज, इन्होंने ए नहीं लगाया, वो हमें इन्होंने लगा के दिया है, तो इज और नोबल के बीच में आ जाएगा ए। ठीक है पैट्रियटिज्म मीन्स टू लव वंस कंट्री, तो मीन्स और लव के बीच में क्या आ गया, टू आ गया, प्रेपोजिशन टू। पैट्रियटिज्म का मतलब है अपने देश को प्यार करना। अ पर्सन डैश लव हिज कंट्री मोर, तो यार ये तो देखते ही पता चल रहा है, एक ऐसा पर्सन जो अपने देश को प्यार करता है, जो, तो उसके लिए हमने लगा दिया हु, पर्सन और लव्स के बीच में आ गया यहाँ पे हु। देन एनीथिंग एल्स, जो
इज कॉल्ड अ पैट्रियट। देखो इन्होंने इज नहीं लगाया, बहुत सिंपल है। सॉरी, तो एल्स और कॉल्ड के बीच में हमने लगा दी यहाँ पे इज। पैट्रियटिज्म इंस्पायर्स अ मैन टू डू एवरीथिंग। अब इन्होंने टू नहीं लगाया यहाँ पे, मैन और डू के बीच में आ गया है टू। पैट्रियटिज्म है, इंस्पायर करती है एक इंसान को कुछ भी करने के लिए, जो कि है बेहतर, न्यायप्रिय होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए और उसके देश के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो यार यहाँ पे ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ है वो हो जाती है ख़त्म। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, इसे शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, और फटाफट से लाइक ठोक दो मेरे दोस्त, और अगर अभी तक आपने इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, ताकि मैं आपके लिए उस तरह की वीडियोज़ लेके आऊँ। फिर मिलता हूँ आपसे एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।